आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। राज ठाकरे माफी मांगो या फिर वापस जाओ का आंदोलन चला रहे भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने किया जनसभा को संबोधित, कहा बगैर माफी मांगे अयोध्या में घुसने नहीं देंगे राज ठाकरे को। पहले वह राम के वंशज हैं, अयोध्या वासी हैं, फिर उत्तर भारतीय हैं, उसके बाद भाजपा का हूं सांसद। राज ठाकरे ने अपने अयोध्या के 5 जून को होने वाले दौरे को किया है स्थगित, नहीं किया है निरस्त। राज ठाकरे मोदी जी से, योगी जी से, संत महात्माओं से और उत्तर भारतीयों से मांगे माफी, मुझसे माफी मांगने की नहीं है आवश्यकता। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी व डीआईजी जे रविंद्र गौड़ की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। तहसील दिवस में कुल आए 135 मामले, 15 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। ग्राम पंचायत भावापार के पंचायत भवन में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल, कहा अधिकतर मामले राजस्व विभाग से आए, संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में चौरी चौरा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन, कहा तहसील दिवस में आए मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। कृषक उत्पादक संगठन जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई समिति की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुआ सम्पन्न, कहा किसानों को आसानी से बैंक दे लोन। इक्कीस मई को मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद और हिंसा का डटकर सामना करने का लिया गया संकल्प, मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की दिलाई गई शपथ। शाहपुर पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी मैनुद्दीन अंसारी को किया गिरफ्तार, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे ने मेट्रो रेलवे कोलकाता को 77 रन से हराकर जीता अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप, कहा पूर्वोत्तर रेलवे ने इतिहास में पहली बार यह प्रतियोगिता है जीती, टीम के सभी खिलाड़ी, कोच एवं प्रबंधन से जुड़े लोग हैं बधाई के पात्र। और 28 से लेकर 30 मई तक मुबारक खां शहीद दरगाह के सालाना उर्स को लेकर कमेटी के लोगों ने मंडलायुक्त, डीआईजी, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा निमंत्रण पत्र। दरगाह के विभिन्न समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन, मंडलायुक्त ने समस्याओं के निस्तारण के लिए नगर निगम को दिया निर्देश।